दिल्ली के जो इलाके दंगे की आग में जले उनमें ब्रह्मपुरी भी शामिल है। हालांकि अब यहां जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आज सुबह क्या हालात थे वहां, अभय पराशर की रिपोर्ट से समझिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिन इलाकों में हिंसा हुई थी उसमें से एक इलाका ब्रह्मपुरी भी था। इस वक्त हम मौजूद हैं सिलमपुर से ब्रह्मपुरी और घोंडे की तरफ जाने वाली रोड पर। आप फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, अब हालात जो हैं वो सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दो दिन से अगर बात करें तो हालात सामान्य है। ये रोड जो है हमेशा बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है, हालांकि अभी बहुत ज्यादा चहल पहल शुरू नहीं हुई है। कुछ ट्रैफिक यहां से निकलना शुरू हुआ है, फोर्स यहां पर लगी हुई है एहतियात के तौर पर, क्योंकि इस इलाके की अगर बात की जाए तो इस इलाके में भी ये जो दाहिना तरफ इलाका है, यहां पर जाफराबाद है, एक तरफ ब्रह्मपुरी है, तो इस इलाके में भी कई जगह हिंसा हुई थी। गली नंबर एक में भी एक हत्या का मामला सामने आया था। हालांकि फिलहाल आप इलाका देख सकते हैं, पुलिस यहां पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर लगाई गई है और अब इलाके में जो जिंदगी है वो दोबारा से पटरी पर आने लगी है। अब चहल पहल शुरू हो गई है, जो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था वो धीरे धीरे समय के साथ अब खत्म हो रहा है। हालांकि लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि पुलिस की प्रेजेंस और पेट्रोलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से धीरे धीरे लोगों के मन में जो एक डर का माहौल पैदा हो गया है वो खत्म हो जाएगा और अब सड़कों पर भी जिंदगी दोबारा से पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में लोग अब सड़कों पर नजर आने लगे, वहां क्या हालात है इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक नाम खजूरी इलाके का भी था, जहां पर गाड़ियों में आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। हालांकि अभी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पीछे जो जली हुई गाड़ियां और ये जो टेम्पो यहां पर पड़े हुए हैं, ये इस बात की निशानदेही है कि खजूरी से जो वजीराबाद जाने वाला रोड है यहां पर भी आगजनी और हिंसा हुई थी। लेकिन फिलहाल यहां पर जो जिंदगी है वो दोबारा से पटरी पर आ गई है, नॉर्मल ट्रैफिक यहां पर शुरू हो गया है, आवागमन जो है लोगों का वो यहाँ पर शुरू हो गया है, रिक्शे चल रहे हैं, लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, रास्ते को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। यानी कि पिछले दो दिन से जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शांति बनी हुई है उसमें अब खजूरी इलाका जो है, खजूरी से वजीराबाद जाने वाला इलाका, इसने भी अपनी राह पकड़ ली है। इलाके में अब पूरी तरीके से शांति बनी हुई है और लोग दोबारा से रोजमर्रा के कामों में आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब एक ऐसी खबर जो आपको बेचैन कर देगी, जो इस बात का सबूत है कि दंगाइयों ने कैसे आईबी अफसर के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा को गोली नहीं मारी गई बल्कि चाकुओं से गोद कर उनका कत्ल किया गया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक ट्वीट में यहां तक दावा किया कि अंकित शर्मा पर चाकुओं के 400 वार किए गए। अंकित पर करीब 4 घंटे तक चाकुओं से हमला किया गया और अंकित शर्मा के शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर जख्म के निशान नहीं थे। अंकित की हत्या का आरोप आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगा है। इस बीच ये भी बता दें कि कल मुजफ्फरनगर में अंकित का अंतिम संस्कार किया गया। सबसे पहले आपको अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या है वो दिखाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि अंकित शर्मा की हत्या गोली मारकर नहीं की गई बल्कि अंकित के शरीर को चाकुओं से गोदा गया, कई बार हमला किया गया, पेट और सीने पर चाकुओं से वार किए गए। अंकित शर्मा को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी हैरान करने वाला दावा किया। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि अंकित शर्मा जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल को दहला देने वाली है। 2 से 4 घंटों तक अंकित को चाकू से लगातार गोदा गया, लगभग 400 बार चाकुओं से वार किया गया, यानी शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसे छलनी ना किया गया, आंतों को शरीर से फाड़कर अलग कर दिया गया। इतनी नफरत क्यों?